अब बात करते हैं झारखंड के देवघर की, जहां समाहरणालय सभागार में देवघर डीसी और एसपी ने एक बैठक आयोजित की। यहां 6 जून को मुख्यमंत्री के देवघर आगमन की तैयारियों की समीक्षा के साथ सफलतापूर्वक हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि 6 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर आएंगे, जहां पर मुख्य स्टेडियम में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य स्तरीय आयोजित किया जाएगा। डीसी ने कहा कि यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचेंगे और इस योजना का लाभ उठाएंगे। बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समाप्त मीन काउंटिंग के मतगणना जो चल रही थी, और इसमें सबसे पहले तो मैं देवघर जिले में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है, प्रत्यक्ष चुनाव सफलतापूर्वक हुआ, और उसमें देवघर का जो मतदान प्रतिशत जो है वो संपूर्ण प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा, और इसका एक कारण निश्चित रूप से आप सभी लोगों का, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया के बंधुओं के जो सहयोग, और जिस तरीके से आप लोगों ने अपने से भी जो निगरानी रखे वो, और यहाँ के सारे प्रशासन और पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मी जो है, उन लोगों ने उस तरह के माहौल बनाए जिसकी वजह से ये हो पाया। और अब हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव में जा रहे हैं, 7 जून से शुरू होगी उसका, तो उसके लिए भी हमारा अनुरोध है कि जो भी अप्रत्यक्ष चुनाव में, खासकर उप मुखिया, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख, 216 ऐसे अलग अलग पद हैं जिसमें चुनाव होना है, चरणों में चुनाव हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, और इसमें आप लोगों के द्वारा किया गया प्रचार, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई प्लानिंग, पुलिस के द्वारा की गई सुरक्षा की प्लानिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही यहाँ के वोटर्स की जागरूकता भी इस बात को दर्शाती है। इसमें लगभग 2000 पुलिसकर्मियों ने पार्टिसिपेट किया, 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ड्रोन्स का भी उपयोग किया गया था। तो देवघर पुलिस और प्रशासन की तरफ से देवघर की जनता को आभार, मीडिया को आभार, सभी स्टेक होल्डर्स का आभार।